जिसको भगवान का पद रज मिल गया उसको न ब्रह्मा की सीट चाहिए, न इंद्र का सिंहासन चाहिए, न मृत्यु लोक का सार्वभौम राज्य चाहिए, न योग सिद्धि न मुक्ति। वो तो भगवान की पद रज में तृप्त हो जाता है, यानी ये अंतिम चीज। श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और सब ब्रजवासियों के चित्त को चोरी करते जाते। सखा लोग भी बड़े हो रहे हैं। श्री कृष्ण उनका हल्का नीला रंग और मोर पंख का मुकुट तो मैया पहना ही देती है। पीतांबर ओढ़ने का उनकी आदत है, सर्दियों में थोड़ा सा काला कंबल भी रख लेते। एक बार श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गेंद खेल रहे थे, तो गेंद खेलते खेलते उन्होंने देखा वो यमुना के निकट पहुंच गए। कुछ सखा लोग बेहोश हो गए। श्री कृष्ण ने ध्यान किया, हुआ क्या? पता चला कि यमुना जी का जल उस जगह इतना विषैला हो गया कि विष का जो धुआं निकल रहा है उससे सखा लोग मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण ने सोचा ये है क्या। वहां पर कालिया रहता था, कालिया नाग, बहुत ही जहरीला नाग था। वो अपनी नाग पत्नियों के साथ जल में निवास करता था। उसने उस स्थान को इसलिए चुना था कि वहां पर सौभरी ऋषि समाधि लगाते थे, जल समाधि। तो सौभरी ऋषि के कारण गरुड़ जी नहीं आते थे और गरुड़ जी से ही कालिया बचना चाहता था। तो अब श्री कृष्ण ने देखा कि सखा लोग बेहोश हो गए हैं। उन्होंने कहा कुछ उपचार करना चाहिए। उन्होंने गेंद पकड़ी और जानबूझ के यमुना जी में फेंक दी। तो गेंद को लेने के लिए वे कूद गए यमुना जी में, और जब कूदे पानी को मथने लग गए। इससे कालिया डिस्टर्ब हो गया, जो नदी के नीचे बैठा हुआ था वो ऊपर आया। उसने अपने एक पूंछ में श्री कृष्ण को बांधा और बांध के जल के अंदर ले गया। सखाव लोगों ने यह दृश्य देखा, भागे भागे गए। खबर तुरंत पहुंची यशोदा नंद के पास। दोनों अपने घर से भागे आए तो यशोदा कह रही है मैं कूद जाऊंगी इसके अंदर। नहीं नहीं नहीं, रोको इसको, नंद बाबा कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने देखा कि अब तो ये लोग मेरे विरह में कहीं मर न जाए। श्री कृष्ण अपने शरीर को बढ़ाने लग गए, बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिए कि कालिया ने सोचा मैं छोड़ूंगा नहीं तो मेरी पूंछ फट जाएगी। इसलिए कालिया ने छोड़ दिया। श्री कृष्ण तैरते हुए ऊपर आए, कालिया पीछे में ऊपर आया। उसने अपने विभिन्न फण निकाले। श्री कृष्ण एक फण को दबाकर उसके ऊपर चढ़ गए। अब कालिया के अनेक सैकड़ों फण हैं और सब गतिशील हैं, लेकिन श्री कृष्ण नटवर नागर ऐसे नृत्यकार हैं, क्योंकि वो नृत्य का प्लेटफॉर्म हिल रहा। किंतु श्री कृष्ण एक फंड से दूसरे फंड पर कूदते जा रहे, नृत्य करते जा रहे हैं कालिया के फणों पर, और साथ ही साथ कालिया का दमन कर रहे। तो कालिया इतना परेशान हुआ उससे, उसके मुख से खून की थूक निकलने लगी।
खून बहने लगा। कालिया की पत्नियों ने चारों तरफ से घेर लिया श्री कृष्ण को और प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, महाराज हमारे पतिदेव बहुत बड़े पापात्मा हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, इसलिए उनको सर्प योनि में जन्म मिला। कोई बहुत बड़ा पापात्मा हो उसको सर्प योनि में जन्म मिलता है, लेकिन अब हम समझते हैं कि वो तो परम सौभाग्यशाली, क्योंकि उसको आपकी पद रज मिल गई है। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वांछति यत्पादरज प्रपन्ना। जिसको भगवान का पद रज मिल गया उसको न ब्रह्मा की सीट चाहिए, न इंद्र का सिंहासन चाहिए, न मृत्यु लोक का सार्वभौम राज्य चाहिए, न योग सिद्धि न मुक्ति। वो तो भगवान की पद रज में तृप्त हो जाता है, यानी ये अंतिम चीज। और हमारे पति को आपका पद रज मिल गया तो महाराज आप इसे सदगति प्रदान कीजिए। अब जब पत्नियों ने ऐसा कहा तो कालिया भी क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने कालिया को क्षमा किया किंतु कहा कि अब तुम यहां नहीं रह सकते हो, अब तुमको यहां से जाना होगा। तो यूरोप के नीचे एक समुद्र है, मेडिटेरेनियन सी, यूरोप और अफ्रीका के बीच में। हमारी मान्यता ऐसी है कि कालिया वहां पर गया और लॉचनेस मॉन्स्टर बन गया। वहां के इतिहास में ऐसी मान्यता है कि समुद्र में एक निकलता है सांप सा, समय समय पर लोगों ने उसको देखा है। तो वो कालिया नाग वहां पहुंचकर रहने लगा।